In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide Box Office collection of Bollywood film Talash. दोस्तों मूवी तलाश जो रिलीज हुई थी 3 जनवरी 2003 को, ये एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है सुनील दर्शन, इसके प्रोड्यूसर है पहला स्नेहा लानी। अब बात करते कास्ट की। फिल्म के अंदर अक्षय कुमार, करीना कपूर, पूजा बत्रा, राखी गुलजार, उसके अलावा इसमें नजर आए थे दिलीप ताहिल, कबीर बेदी, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्ट रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। मूवी का पूरा नाम है तलाश, द हंट बिगन्स। अब बात करते हैं डायरेक्ट कलेक्शंस की। तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 7,86,00,000 रुपए का, 7,86,00,000 का। इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो था 12,79,00,000 का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 1,87,00,000 की कलेक्शन की थी। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 14,66,00,000 रुपए का, 14,66,00,000 का। अब रही बात बजट, तो फिल्म का बजट था 9,75,00,000। अब 9,75,00,000 के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था, यानी कि 7,86,00,000 का जो नेट कलेक्शन था, वो बजट को रिकवर नहीं कर पाया, जिस वजह से फिल्म तलाश The Hunt Begins इसको बॉक्स ऑफिस पर लॉस का सामना करना पड़ा। और इसी लॉस की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का सामना करना पड़ा, यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड वो है फ्लॉप की। अब रही बात गानों की, तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 9 सॉन्ग्स थे। गानों को कंपोज किया था संजीव और दर्शन की जोड़ी ने, और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समीर अनजान ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।